अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हफन येलो भाई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज का जो हमारा फ़ोन है वो बहुत ही मज़ेदार फ़ोन है और बहुत ही मेरी शायद हो सकता है चैनल पे पहली दफ़ा इस फ़ोन की वीडियो या पहली दफ़ा ये फ़ोन मेरे चैनल पर जो है आ रहा है। तो आज का जो फ़ोन है वो है सैमसंग गलेक्सी जेड फ्लिप 3। तो बहुत ही आउट क्लास चीज़ है, जिस तरह के आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सैमसंग का ब्रांडिंग पीछे लिखा होता है, उनके ऊपर जो इसका जो है जो इसकी जोड़ लगा हुआ है जहाँ पे दोनों एलसीडीओ के अंदर, जो आसान अल्फाज में आपको बताऊँ, जो इसका जो स्क्रोलर है जिसको खोलता है स्क्रीन को और जो इसको कर्व करता है वापस, इसके ऊपर सैमसंग का लोगो लगा होता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो आपको सेकेंड डिस्प्ले नज़र आता है, सेकेंड डिस्प्ले के अंदर आपको ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नज़र आता है, आपको डबल क्लिक करने पर ये ऐसे बड़ा प्यारा सा जो है एनिमेशन शो करता है, बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। और यहाँ से आपको जो है इसकी जो है नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे आप इसको हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं फ़ोन को बगैर खोले। तो दोस्तों आज इस फ़ोन को हम खोल के भी चेक करते हैं कि इसके कैसा रिव्यू है। देख सकते हैं दोस्तों आप ये स्लाइडली जो है, वैसे अगर इसकी स्मार्टनेस देखें तो इतना स्मार्ट है ये फ़ोन कि आपको हाथ में फील होता है कि पता लगता है कि छोटा सा स्मार्ट सा फ़ोन आपने पकड़ा हुआ है। और अगर आपको स्क्रीन की बात बताऊँ तो स्क्रीन इसकी टोटल एमुलेट बनी हुई है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बीच से जो है आपको यहाँ से टचिंग का मसला हो या जो बीच में यहाँ पे कर्व डाल रहा है यहाँ पे आपको जो कोई और इशू आता हो या यहाँ पे एमुलेट ना लगाया हो। टोटल एमुलेट डिस्प्ले बनाया है कंपनी ने इसका, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छी इसकी रेजोल्यूशन है और स्पीड भी बहुत अच्छी है। दोस्तों अगर रैम रोम के हवाले से इस फ़ोन की बात करूँ तो 8 GB रैम होती है इस फ़ोन की और 256 GB बिल्टन मेमोरी में ये फ़ोन आपको मिलता है। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बहुत ही प्यारा कलर है। अगर आपने इस तरह फ़ोन को पकड़ा हुआ हो तो एक डब्बी टाइप चीज़ आपको लगती है, यानी कि आप अगर ऐसे पकड़ा हुआ हो तो किसी को फील भी नहीं होता कि आपने क्या पकड़ा हुआ है। मगर इसके अगर प्राइस आपको बताऊँ तो आपको जिसके हाथ में होगा उसे ज़रूर पता रहेगा कि मैंने क्या पकड़ा हुआ है। दोस्तों ये फ़ोन नॉन PTA है और ये नॉन PTA नॉन एक्टिव है, यानी कि सिम इसके अंदर अभी चलनी है, पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर सिम अभी नहीं चली है। और इसके प्राइस जो है वो 1,05,000 है। तो मेरे हिसाब से जो फ़ोन का लवर होता है, जिसको ज़्यादातर ऐसी खूबसूरत चीज़ें पसंद होती हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और वो बाय भी करेगा। मगर जो एक स्टैंडर्ड क्लास या नॉर्मल क्लास बंदा है तो उसको मैं प्रेफर करूँगा कि वो एक स्ट्रेट फ़ोन ही ले, ताकि उसको जो है ये कर्व में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वो एक स्ट्रेट फ़ोन ले 50-60-70,000 रुपये तक का, क्योंकि वो एक रेगुलर आइटम होती है, रेगुलर चीज़ होती है, आपकी खरीदने के बाद भी सेल आउट हो जाती है। ये जो ये एंटीक चीज़ें होती हैं, ये जिस तरह हमारे पास आती हैं शौकीन बंदे ही लेते हैं ज़्यादातर। तो आप देख सकते हैं कि इसका कर्व डिस्प्ले बहुत ही प्यारा है, उसको जिस तरह मर्जी कर्व कर सकते हैं, बहुत ही जो है ना प्रीमियम लुक इसके आपको देता है ये फ़ोन। कैमरा रिजल्ट भी इसका अच्छा है, मैंने एक दिन पूरा यूज़ किया है इस फ़ोन को, जब भी मैंने आपको कहा है कि ज़्यादातर जो है इस फ़ोन को अगर हम अपना शौकिया रखें तो ये बहुत अच्छा फ़ोन है, मगर अगर आपने एक नॉर्मल यूजेज के लिए रखना है या हार्ड यूजेज के लिए रखना है तो ये फ़ोन आपके लिए बेहतर नहीं है। फिर आप एक नॉर्मल सीरीज़ में, एस सीरीज़ में या नोट सीरीज़ में फ़ोन बाय कर सकते हैं। दोस्तों प्राइस भी आपको बता दिया, नॉन PTA भी आपको बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसके प्राइस क्या है। फिंगर लॉक के हवाले से बताऊँ तो इसका फिंगर लॉक स्क्रीन के अंदर नहीं होता, ये साइड पर आपको फिंगर लॉक नज़र आ रहा होगा इसका, ये साइड पर इसका फिंगर लॉक होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि ये आपको सिंगल सिम फ़ोन मिलता है, यानी कि डबल सिम नहीं है, सिंगल सिम है। और ये 5G मॉडल है, गैलेक्सी जी फ्लिप 3 5G। दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे से बात करूँ तो एंड्रॉयड 11 इसके अंदर वर्जन चल रहा है, जो कि June 1, 2021 का इसके अंदर पैच लगा हुआ है गूगल का भी, और बहुत ही अच्छी चीज़ है यूसेज के हवाले से। तो दोस्तों अगर इसकी बैटरी के हवाले से बात करूँ तो कंपनी ने इसके अंदर बैटरी जो है वो थोड़ी रखी है, 33 mAh 3300 mAh इसके अंदर बैटरी रखी है, जो कि नोट 9 से भी कम है और नोट 10 से भी कम है। क्योंकि उसकी रीज़न है क्योंकि ये स्क्रीन जो है आपको कर्व में मिलती है, बहुत कम यूज़ होने वाला फ़ोन है, तो इसके स्टैंडर्ड टाइम जो है 3300 mAh, जिसको निकाल जाएगा वन डे आपका यूज़ में निकल जाएगा फ़ोन। और बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिसको चाहिए हो उसे रब्ता कर सकता है, ऑनलाइन भी मंगा सकता है और दुकान पर आके बाय कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।